हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो को लेकर मैं आया हूँ काइन जैन पर। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर। कल मैंने क्लिप ग्राफिक्स ऊपर बनाया था, उसके अलावा जो मैंने कल इवनिंग में वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने एनिमेशंस जो होते हैं अपने दो फोटो के बीच में प्लस का साइन दिखता है ना काइन मास्टर में, कुछ 5 एनिमेशन बताए थे मैंने जो अच्छे हैं, वैसे ही और बताते रहूँगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लो, उसमें मैंने कुछ बता रखा है। तो आज जो मैंने ग्राफिक्स लिया, ये वाला ग्राफिक्स है, तो इस वाले ग्राफिक्स का सबसे अच्छा काम ये रहता है कि अपने आप जूमिंग कर देता है फोटो को लगाने से, जैसे अपन फोटो में अप्लाई करते हैं इसे, एंड फोटो में अप्लाई करने के बाद इफेक्ट भी दे देता है। मतलब सभी काम इस एनिमेशन में कर देता है जो अपने को सिर्फ फोटो लगाकर एनिमेशन लगाना होता है। तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैंने हैंड राइटिंग की वीडियो बना रखी है, जो हैंड राइटिंग का ऑप्शन होता है उसकी की वीडियो बना रखी है। उसके अलावा एक स्टेटस बना रखा है वरदान स्टेटस, कैरी मिनाटी के सॉन्ग जो है उसके ऊपर कैसे बनाया है वो भी जाकर देख लें आप, उसकी वीडियो में ऊपर दे दूंगा आपको कार्ड में, लास्ट टाइम मिल जाएगी तो आप उसको भी जाकर देख लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। आज की वीडियो में जो मैंने ग्राफिक्स लिया है वो मैंने ऑनलाइन लिया है, जो मैं बताऊंगा वो कहाँ से आएगा, मैं उसको बताऊंगा कि वो क्लिप ग्राफिक्स में जो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स करते हैं कि इसमें मिलेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो जैसे बन जाती है, तो मैं जो पुरानी वीडियोस बनाई है मैंने, उनमें सिर्फ मैंने आपको वीडियोज़ बनाना बताया, लेकिन उसको गैलरी में कैसे लाना है, उसको एक्सपोर्ट कैसे क्या करना है, किस क्वालिटी में अपन ला सकते हैं उसको, अपने मोबाइल में क्या क्वालिटी आएगी, सामने वाले के मोबाइल में क्या क्वालिटी है, पिक्सल तो इरेज नहीं होंगे, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो, तो उसके लिए मैं आज फ़ोटो ही लेता हूं, तो फ़ोटो ले लेता हूं मैं। तो मैंने 69 वाला रेशो ले लेता हूँ। 69 वाला रेशो लेने के बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ, ये वाला फ़ोटोज़ ले लेता हूँ मैं, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं। एंड इसके अलावा जो है मैंने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद ग्राफिक्स की बात आती है, तो उसके लिए वही सिंपल अपने को मैं पहले इनका ड्यूरेशन कम कर लेता हूँ, टाइम ड्यूरेशन कम कर लेता हूँ मैं फर्स्टली। अब टाइम ड्यूरेशन कम करने के बाद जो ग्राफिक्स आता है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट अपने को शॉप वाले साइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साला जो ऑप्शन है यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद जो मॉडर्न या सिंपल, मॉडर्न ऑब्लिक सिंपल वाला ऑप्शन आता है, जो टाइप से कुछ इस टाइप से हैं, तो इसमें कुछ ये सब हैं, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो जो इनमें ओवरलाइन आता है ये वाला है वो ग्राफिक्स जो मैं आपको बताऊंगा, ये मैं इसकी वीडियो प्ले कर। फ्रेंड्स, ये इसकी वीडियो बना रखी है कि कुछ इस टाइप से इसका एनिमेशन रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ फोटो में इनको, तो मैं एक एक करके अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सारे फ़ोटोज़ में ग्राफिक्स को अप्लाई कर दिया, तो ये देखिए जब मैंने नॉर्मली फ़ोटो लिया था, मैं एक बार वो फ़ोटो ले लेता हूँ वाला, कहाँ गया है इंस्टाग्राम, मैंने नॉर्मली जो फर्स्ट फ़ोटो लिया था ये कुछ ऐसा था। अब ये कुछ इस टाइप से है, पूरा जूम हो गया है, तो इसमें मैं म्यूज़िक ऐड कर देता हूँ।
इसी के साथ में इनमें अपने जो प्लस का साइन है इनमें अपन एनिमेशन डाल सकते हैं। आज मैंने जो वीडियो बनाई थी वो एनिमेशन के ऊपर ही बनाई थी, जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी मैंने, 5 टाइप्स के कुछ एनिमेशन बताए थे मैंने यहाँ से। तो अपन इनके ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं, तो इनका यूज़ करके अपन वीडियो थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते थे हैं। तो ये कुछ ग्राफिक्स हैं, और इसके साथ में मैं जो बात मैंने बोला था आपको कि वीडियो को अपन गैलरी में कैसे लाएं, तो उसके लिए जो ये एक्सपोर्ट ये साइन है इस पर क्लिक करना है, जो साइन बन रहा है यहाँ टॉप में इस पर क्लिक करना है। अगर इसके अलावा नहीं तो अपन बैक जाकर जब अपन यहाँ ओपन करते हैं तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं अंदर से बताता हूँ आपको एक्सपोर्टिंग का। सॉरी, अब यहाँ पर जो बात आती है कुछ रिजोल्यूशन देता है, जो अपने क्वालिटी देता है कि अपने को किस क्वालिटी में लेना है। अगर अपने को HD क्वालिटी था फुल HD के लिए तो 180 का है, ये 1440 वाला है। उसके अलावा HD है नॉर्मली, और HD है कुछ 48p है। तो ये यहाँ पर जैसे अपन इसकी रिजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपने को ये इसकी MB बता देगा कि कितनी MB की वीडियो बनेगी। लेकिन जो यहाँ वीडियो बताएगा ये साइज, ये वीडियो की साइज एक्चुअल साइज जो रहती है अपने डाटा जो अंदर है वीडियो के अंदर, वो चीज़ वही बताएगा ये। और जब अपन गैलरी में वो चीज़ देखेंगे उसकी MB तो कुछ कम करके बताएगा, क्योंकि थोड़ा कंप्रेस हो जाती है फाइल। तो ये है इसका, और यहाँ से अपन फ्रेम रेट एडजस्ट कर सकते हैं, 15:20 सिनेमा क्या रहे, फ्रेम रेट रखनी है अपने को। तो ये सब है, इसके अलावा जो क्वालिटी रहती है थोड़ा बहुत लो या हाई अपने को रखना है। तो ये देखिए 7 MB हो गई है, इसको फुल कर देता हूँ 72 MB हो गई है, पूरे पीछे का 2 पूरा गायब हो गया। तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं इसको, सॉरी मैं जो करता हूँ QHD में करता हूँ 1440 में, ताकि वीडियोज़ की जो क्वालिटी है वो यूट्यूब पर अब कंप्रेस नहीं हो, आप जब देखो वीडियो तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, सिंपली अपने को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये पूरी प्रोसेस कर देगा, जब रेड पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। तो ये फुल हो ही रहा है, तो ये फुल हो चुका है। अब यहाँ पर इसने फाइल का नाम दे दिया है अनटाइटेड, तो ये फाइल का जो नाम रहेगा यही रहेगा इसमें, क्योंकि जो फाइल के नाम देता है ये काइनमास्टर इसके हिसाब से देता है। अपने को अगर रीनेम करना है तो अपन रीनेम कर सकते हैं। तो मैं वीडियो प्ले करके बता देता हूँ कैसी। कुछ इस टाइप से आया वीडियो बनी है, मैंने आपको एक्सपोर्टिंग का बता दिया है इसको कैसे सेव करना है। तो ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।